हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो कोरिलेशन की सीरीज वाली है वो जरूर देखी होगी। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल 10.3। सो एग्जांपल 10.3 देखिए क्या कहता है। शो दैट इफ एक्स डैश वाई डैश आर द डेरिवेशंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। तो ये जो आपका एक्स डैश एंड ये जो आपका वाई डैश है ये आपके डेरिवेशंस हैं रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई के फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स डैश की जो वैल्यू है वो है आपकी एक्स आई माइनस एक्स बार। इसका मतलब कि हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल एक्स आई का डेरिवेशन लिया है उसके मीन के साथ एंड वाई आई माइनस वाई बार, इसका मतलब वाई डैश जो है वो आपका डेरिवेशन है उसी के रिस्पेक्टिव मीन से, मतलब इसी के ही रिस्पेक्टिव मीन से इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इसका डेरिवेशन बन जाता है। तो ये चीज आपको एक लैंग्वेज के फॉर्म में इस क्वेश्चन में लिखी हुई है। फिर कह रहा है कि फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन देन हम लोगों को ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको हमें प्रूफ करना है। तो मैं देखिए पहले मैं इसको पेज को कर लेती हूँ डिवाइड। तो देखिए पहला जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो है r इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 n समेशन ओवर i एक्स आई डैश अपॉन सिग्मा x देन माइनस y i डैश अपॉन सिग्मा y का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्यों ना हम लोग जो हमारा RHS है उसको लेके चलते हैं। तो RHS आप लोग यहां से देख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 2 n समेशन ओवर आई, अगर हम लोग इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर देन वाई आई डैश स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर देन माइनस टू टाइम्स एक्स आई डैश वाई आई डैश अपॉन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। अब ये इसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 एन। तो अगर अब आप देखिए हम समेशन को अंदर भेज दें और एक्स आई डैश वाई आई डैश की वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा समेशन ओवर आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर देन प्लस समेशन ओवर आई वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर देन माइनस का 2 ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार ये हो जाएगा आपका वाई आई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड समेशन यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से लिख देती हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब मैं n को भी अंदर भेज रही हूं तो देखिए अगर मैं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा x को अलग कर दूं और n को इसके साथ भेज दूं 1 अपॉन n समेशन ओवर i एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसी तरह से 1 अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर को अलग किया मैंने और यहाँ पे 1 अपॉन n को इसके साथ भेजा तो समेशन ओवर i वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर देन नेक्स्ट ये वाला जो टर्म है इसमें 2 अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कर लिया देन 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, तो ये हो गया। तो अब यहां से अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये जो वैल्यू है ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये है आपका फॉर्मूला वेरियंस ऑफ एक्स का। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब यहां पे देखिए 1 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था और ये आपका क्या आ गया है सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस 1 अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर है और ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर देन माइनस 2 टाइम्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है कि ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का ये फॉर्मूला होता है, बट अगर आप लोग कोरिलेशन का फॉर्मूला देखो तो r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता है। तो देखिए अब हम लोग को पता है कि ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है बट साथ में ही हमें ये भी दिख रहे हैं इसका मतलब ये जो कोवेरियंस का फॉर्मूला है तो इसका यूज करके हम लोग इसको इधर भेज के r एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के फॉर्म में रख देंगे। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं इसकी जगह पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम लोग रख देंगे आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये इसीलिए किया है ताकि ये रिड्यूस हो सके पूरा इक्वेशन। तो देखिए यहां से ये रिड्यूस हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचता क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 प्लस देन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो ये 1 लिख दिया हम मैंने देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 आर,
अब देखिए 1 + 1 2 देन -2 यहाँ पे है तो 2 बाहर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ब्रैकेट में टोटल बचेगा 1 - r तो हो जाएगा 1 + r ये कैंसिल आउट हो गया तो देखिए RHS जो था हमारा वो LHS के इक्वल आ गया है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है आपकी आ चुकी है R के बराबर और ये प्रूविंग पूरी हो चुकी है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपका जो दूसरी प्रूविंग है उसमें आपका गिवन है R इज इक्वल टू -1 + 1/2n समेशन ओवर I देन एक्स आई डैश अपॉन सिग्मा एक्स प्लस वाई आई डैश अपॉन सिग्मा वाई होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमें गिवन है और इसको हमें आर के बराबर लाना है तो इसको भी सिमिलर पैटर्न पे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या था हमारा, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया है, यहाँ पे आपका -1 है यहाँ पे प्लस का 1 हो गया है। तो हम लोग चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। आर एच एस यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे -1 + 1/2n तो अब देखिए ये है समेशन ओवर आई, इसको जब ओपन करेंगे तो अब डायरेक्टली मैं देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट ये वैल्यू रख दे रही हूँ तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर देन प्लस 2 टाइम्स एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार होल अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये हुआ ब्रैकेट आपका। तो देखिए -1 + 1/2 अब देखिए 1/n और समेशन को हम अंदर भेज रहे हैं तो जब इसको हम लोग अंदर भेजेंगे तो 1 / σx² है ही तो अब जब 1/n और समेशन ओवर आई इसके ऊपर लगेगा तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है वेरियंस का। इसका मतलब ये भी सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगी इसकी वैल्यू एंड जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 1 / σy² ऑलरेडी है और ये आपकी वैल्यू बन जाएगी सिग्मा वाई स्क्वायर की देन प्लस 2 टाइम्स आप देख रहे हो कि 2 टाइम्स एंड जब ये 1/n समेशन ओवर आई इसके साथ जाएगा मतलब सेम पैटर्न पे ही ये चीजें चल रही हैं तो ये कोवेरियंस का फॉर्मूला आ जाएगा और कोवेरियंस को आप लिख सकते हैं आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे पहले से 2 था देन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और इसको जब कोवेरियंस के फॉर्म में था जब हम लोग कोरिलेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट देन -1 ये हो गया प्लस का आपका 1/2 जब इसको ऐड करेंगे जगह 2 + 2 टाइम्स आर देन 2 जब कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + ये 2 आप देख रहे हैं कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 + r जब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और ये है आपका -1 तो देखिए -1 कैंसिल आउट हो गया और r आ गया। ये पैटर्न ये दोनों जो प्रूविंग्स हैं ये सेम पैटर्न पे ही है, बस फर्क इतना है कि जो माइनस और प्लस के साइंस हैं वो आपके चेंज है तो इसलिए इनका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। सो आई होप कि आज का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर समझ में आया हो तो आपको बस एक काम करना है मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।